दोस्तों आज अपनी इस रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं साउथ इंडस्ट्री की कुछ फेमस अदाकाराओं की जो कि बॉलीवुड में काम करती हुई भी देखी गई और कुछ साउथ इंडस्ट्री में ही अपना कमाल दिखा रही हैं, लेकिन इसी के साथ साथ एक बिजनेस वुमेन के तौर पर भी इन्होंने नाम रोशन किया है। पहला नाम आता है काजल अग्रवाल का, जो कि नजर आई बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री में खूब धमाल मचाते हुए अपने एक्टिंग के इस हुनर से। लेकिन काजल अग्रवाल को आज के वक्त में साउथ इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस माना जा रहा है उनके काम से। ये एक्ट्रेस होने के साथ साथ एक साइड बिजनेस को भी संभालती है। इनका एक ज्वेलरी ब्रांड है जिसका नाम है मार्सला, जिसे ये संभालती है अपनी बहन के साथ मिलकर। दूसरा नाम है समंथा अक्निनेनी का, जो कि SVS पार्टनर्स LLP को संभाल रही है। इसका ऐलान उन्होंने खुद ही अपने ट्विटर हैंडल के जरिए दिया था, जहां इनके को फाउंडर्स हैं वामशी, श्रीराम और मेघना, जो समंथा के बेहद ही ज्यादा करीबी हैं। तीसरा नाम है रकुलप्रीत सिंह का, जिन्होंने साउथ इंडस्ट्री बॉलीवुड इंडस्ट्री दोनों में ही काफी बखूबी अपने टैलेंट से नाम कमाया है। इनके इंडिया में 3 जिम है जिसका नाम है फंक्शनल 45 और फिटनेस फ्रीक रकुल चाहती है कि इनका ये बिजनेस आगे बढ़े, जिसे ये पूरा भी बहुत जल्द करेंगी। एलियाना डिक्रूज, जिनका खुद का एक डिजाइनर ब्रांड है, जी हाँ, और इनका ये ब्रांड कई फिल्मों में भी अपने कपड़े देता हुआ देखा जाता है। तापसी पन्नू भले ही उम्र इनकी निकलती जा रही हो, बॉयफ्रेंड का किसी को कुछ ना पता हो और ना ही शादी का, लेकिन देखिए इनका साइड बिजनेस ही शादी का है। जी हाँ, वेडिंग कंपनी है तापसी पन्नू की और इनकी कंपनी का नाम है द वेडिंग फैक्ट्री, जिसे ये अपने बहन के साथ संभालती हैं और दोस्त के साथ भी। अब आती है लिस्ट में तमन्ना भाटिया, जिनका खुद का एक ज्वेलरी ब्रांड है व्हाइट एंड गोल्ड के नाम से और ये शुरू हुआ था साल 2015 में। श्रिया सरन, जिन्होंने काम किया हुआ है फिल्म दृश्यम में, बॉलीवुड इंडस्ट्री में और साउथ इंडस्ट्री में भी काफी कमाल ये दिखाती हुई अपने हुनर का नजर आई है। ये एक बिजनेस वुमेन है बहुत ही ज्यादा बेहतरीन। इनका मुंबई में खुद का स्पा है और बता दें कि इनके स्पा को जो संभालता है, जो इनके एम्प्लॉयज है, वो सभी बीजली चैलेंज्ड है। नाम है अब इस लिस्ट के अंदर श्रुति हसन का, जो खुद का एक प्रोडक्शन हाउस संभालती हैं, जो कि शॉर्ट फिल्म्स और साथ ही साथ कुछ यूट्यूब के लिए भी काम किए जाते हैं, एड्स के लिए भी काम किए जाते हैं। अब आखिरी नाम है इस लिस्ट में कृति खरबंदा का, जिनका खुद का एक फैशन लेबल है। इन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक्टिंग के हुनर से काम तो जरूर पाया, लेकिन ज्यादा नहीं और ज्यादा ये चल नहीं पा रही हैं। पुल के सम्राट के साथ इनके रिश्ते को लेकर इस वक्त ये काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी में है। क्या कहना चाहेंगे आप साउथ इंडस्ट्री की इन खूबसूरत अदाकाराओं के साइड बिजनेस के बारे में, इनके इस ख्याल के बारे में कॉमेंट करके हमें जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल ना जाएं।